दरअसल बैम्बू को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड और इंडिया से इसकी जड़ें हजारों साल से जुड़ी हैं। यही नहीं, वर्ल्ड की 25% बैम्बू स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। और अब इस बैम्बू से यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स बना के एक फ्यूजन बैंड छेड़ रहा है सुरों के तार। दोस्तों, ये है इंडिया का पहला बैम्बू ऑर्केस्ट्रा वैयाली, जिनके यूनिक म्यूजिक में झलकता है केरला का फोक कल्चर। और सबसे ओएमजी बात तो ये है बॉस कि बैम्बू से ये बने सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस बैंड ने खुद क्रिएट किए हैं। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी मधुर जुबानी। एक गाने सीखने का वर्कशॉप था जहां हमने गाना और बजाना सीखा। वहीं के ऑर्गेनाइजर्स ने हम में कोई पोटेंशियल देखा। उन्होंने हमको एक फोक बैंड बनाने का आइडिया दिया और उधर से ही वैली बैंड की शुरुआत हुई। वैसे तो बैंड का कॉमन पैशन है म्यूजिक, लेकिन मेंबर्स के प्रोफेशन अलग अलग हैं। बतौर पेंटर्स प्रदीप और श्रीराग घरों की रौनक बढ़ाते हैं और शाम होते ही इनके हाथों में आ जाता है शॉर्ट ड्रम्स और सेवन होल। उसी तरह लकड़ियों को तराजने वाले कारपेंटर मनोहरन तंबूरा प्ले करने में माहिर हैं। सबको सही मंजिल तक पहुंचाने वाले ड्राइवर सजीव फ्लूट के सुर भी सही लगाते हैं। गुट्टन एक जर्नलिस्ट है और प्ले करते हैं बागू। कैनवस पर ब्रश से जादू बिखेरते आनंद प्ले करते हैं मरिम्बा और फ्लूट आर्टिस्ट निलंजन है स्टूडेंट। 2007 में एक इंडिया जापान फ्रेंडशिप टूर के दौरान बैंड को कुछ बैम्बू म्यूजिशियंस के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। इन्होंने सोचा केरला में तो बैम्बू आसानी से मिलता है और यहाँ से आया इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का भासू आइडिया। बस फिर क्या था, वैयाली बैंड ने कई देसी और विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स को बैम्बू मेकओवर देने के साथ 9 बिल्कुल नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट भी किए, जैसे मरिम्बा, ज़ाइलोफोन का बैम्बू वर्जन, और बैंड के सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बागू जो किक ड्रम जैसी बेस हैवी साउंड क्रिएट करता है। क्यों, है ना ओएमजी? दरअसल बैम्बू से निकलने वाले नेचुरल और सॉफ्टर टोन्स साउंड को एक यूनिक टेक्सचर देते हैं जो मेटल और वुड के इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिलता। लेकिन एक बैम्बू से इतने सारे साउंड्स, यही सोच रहे हैं ना आप? वो क्या है ना, इन इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी और टेक्सचर इनके साइज एंड थिकनेस पे डिपेंड करती है। हम लंबे खोखले बैम्बू से विंड इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। वैसे ही हम मोटा बैम्बू यूज करते हैं जब शार्प साउंड्स की जरूरत हो। दोस्तों, इन कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वैयाली अब तक इंडिया के अलावा दुनिया के कोने कोने में 500 से ज्यादा लाजवाब परफॉर्मेंसेस देने के बाद आज ओएमजी पर धूम मचाने आ रहा है। भाई, हम तो कहेंगे कि आप बैम्बू से नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करते रहिए और पूरी दुनिया को इंडिया के खूबसूरत कल्चर और अपने यूनिक बैम्बू इंस्ट्रूमेंट्स के सुरों से ऐसा बांधिए कि सब कहें ओएमजी, ये मेरा इंडिया।